मैं हूँ रश्मि, रश्मि किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलगुले। गुलगुले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ गेहूं का आटा लिया है और दीपावली पर मैंने गुलाब जामुन बनाए थे तो मेरे पास ये शक्कर की चाशनी बच गई थी। आज हम इसी से गुलगुले बनाएंगे। अब हम आटे को एक बर्तन में डाल लेंगे। आपको जितने गुलगुले बनानी है आप उसी क्वांटिटी से आटा लें। अब मैं चाशनी को आटे में डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अगर आपके पास बची हुई चाशनी नहीं है तो आप शक्कर में पानी डालकर उसकी चाशनी बना लीजिए। और इस तरीके से ही गुलगुले बनाने के लिए एक घोल बना लेंगे। ये देखिए अभी हमारा घोल टाइट है तो हमें और चाशनी डालनी पड़ेगी इसमें। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो इसकी जगह थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से घोल लेंगे इसको, जो इसमें कुछ भी गुठली वगैरह ना रहे। ये देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए। जैसे हम कढ़ी में डालने के लिए पकोड़े बनाते हैं ना, कुछ इस तरह का ही बैटर रहता है। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, देखते हैं हमारा बैटर कैसा हुआ है। ये देखिए ये गुलगुले बनाने के लिए अब तैयार है। तो चलिए अब हम गुलगुले बना लेते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में रिफाइंड डाल देंगे। गुलगुले रिफाइंड में बने हुए अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो सरसों के तेल से या फिर आपको जो तेल पसंद है आप उससे भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम पहले एक गुलगुला डालकर देख लेंगे। अच्छी तरह से गर्म है तो अब हम सभी गुलगुले बना लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से डाल सकते हैं, चाहे तो हाथ से डाल सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से फूल रहे हैं। हम इनको उलट पलट कर सेक लेंगे। गुलगुले बनाते समय गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे जिससे हमारे गुलगुले अच्छी तरह से अंदर तक सिक जाएं। अगर गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो ये ऊपर ऊपर से लाल हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप अपनी बची हुई चाशनी का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इनको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। गुलगुले खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और कहीं कहीं पर इनको पुए बोला जाता है। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो घोल बनाते समय इसमें थोड़ी सौंफ ऐड कर सकते हैं। मैंने सौंफ ऐड नहीं किए क्योंकि मुझे सौंफ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है इसके अंदर। ये देखिए ये देखने से ही कितने टेस्टी लग रहे हैं और इधर से ही ऐसे खुल गया है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए हमारे गुलगुले कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। और अगर आप थोड़ा पतला घोल करेंगे तो वो थोड़े सॉफ्ट बनेंगे, ये थोड़े कड़क हैं। किसी किसी को कड़क पसंद आते हैं तो मैं भी आपको दूसरी तरीके से बनाने भी बताती हूँ। अगर हम थोड़े चपटे आकार के बनाने चाहेंगे तो उसमें थोड़ा और पानी मिक्स करके इसको थोड़ा पतला कर लेंगे। कुछ लोगों को गोल पसंद रहते हैं तो कुछ को चपटे आकार के पसंद रहते हैं।
इसके लिए हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं। अब हम पतले घोल के भी बना लेंगे। ये देखिए, ये भी अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे सभी गुलगुले बन चुके हैं और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको इस तरीके से बने गुलगुले कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।